हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं कोटा का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे एडवेंचरस मॉल को दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप पहाड़ों जैसी वाइब्स ले सकते हैं। मतलब बहुत ही एडवेंचरस ये मॉल है। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग की शुरुआत ही वही उसी चीज़ से करूँगा जो कि काफ़ी आपको एडवेंचरस फील करा देगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको दिखा रहे हैं गाइस। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप पहाड़ों में अक्सर देखते हैं, पर ये मॉल के अंदर मज़ा ही आ गया भाई। ये देख सकते हैं आप, मात्र 100 रुपये में एक साइड से दूसरी साइड आ सकते हैं इस तरह से। ये मॉल का इतना बड़ा एरिया, इतनी हाइट, और इसमें इतनी सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं, खतरनाक है कि नहीं। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे एक गेमिंग वर्ल्ड है। ये तो एक अलग एडवेंचरस है ही है, पर ये सब गेमिंग है, पर आपको रियल एडवेंचरस में इधर दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं मॉल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है हर एक मॉल के बीच में, और इस गैप का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको ये सब दिखा देता हूँ। पहले देख सकते हैं एक स्विंगिंग ब्रिज भी है यहाँ पे, मैं अभी उसको दिखाऊँगा। पर ये देख सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ आपको स्विंगिंग ब्रिज पर ले जाया जाएगा मात्र 100 रुपये में। और दो टाइप के ब्रिज है, एक लेटर ब्रिज, एक स्विंगिंग ब्रिज। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या क्या है 100 रुपया में, ये देख सकते हैं। जैसे आप पहाड़ों में ऐसे करते हैं ना, फ्री वॉल, जीप लाइन, जीप साइकिल, स्विंगिंग ब्रिज, तो ये सब चीज़ें मैं आपको आइए दिखाता हूँ अभी के अभी। देखिए यहाँ पे ये सारा सेफ्टी किट रखा हुआ है, और ये सब एक सेफ्टी के थ्रू काम करता है। और ये देख सकते हैं ये स्विंगिंग ब्रिज है, यहाँ से रस्सी से पकड़ के, इस रस्सी को पकड़ के ऊपर भी है, इसका सेफ्टी पूरा ख्याल रहता है यहाँ पर। अगर कोई गिरेगा भी तो नीचे एक जाली वगैरह सब लगाया गया है। और ये लैडर ब्रिज है, ये बहुत आसान है, मैं तो बिना सेफ्टी के ही कर लूँगा। कौन कौन ये एक्सपीरियंस करना चाहता है पहाड़ों में जाके, पर पहाड़ों में करने से पहले एक बार मॉल में कर लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं होता है, गिरने के बाद कहाँ जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। और ये देख सकते हैं ये सबसे हार्ड है भाई, देखने में आसान लग रहा है पर ये हार्ड है। इस पर भी सेफ्टी लगा हुआ है ऊपर, ये भी मज़ा आएगा, पर ये बच्चों के लिए है, मतलब कमज़ोर दिल वालों के लिए। ये तो एक तरफ से पूरा पूरा सेफ्टी ही है, मतलब बिना सेफ्टी के घूम सकते हैं, पर ये सब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे एडवेंचरस चीज़ जो है, मैं चलिए अब आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गेमिंग वर्ल्ड दिखाता हूँ इसके अंदर घुस के। अभी तो ये फ़िलहाल बंद है, पर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से एंट्री हो रहे हैं, हम एंट्री होते ये देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है इस गेमिंग वर्ल्ड में आने का एक्सेस, जहाँ से आप न्यू कार्ड बनवा सकते हैं, 1000 तक है, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है, और 1 साल के बीच में आप इसको रिचार्ज भी करवा सकते हैं। ये मैं बताता हूँ, शुक्रिया भाई, भाई ने इन्फॉर्मेशन अच्छा दिया है मुझे बताने के लिए। तो ये देख सकते हैं इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू, और इसके लिए कार्ड चाहिए होगा जो मैं बता रहा था अभी, और कुछ भी उठा के ले सकते हैं भाई, इसको ले सकते हैं ना, कुछ भी निकाल लिए तो बस वो आपका हो जाएगा, कुछ भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। बस 40 रुपये आपका चार्ज कटेगा, और ये सब 35 रुपये में आप इसको शूट कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा हर एक चीज़, और ये सब बच्चों का काम है, और हमारा जो काम है देखिए आगे भी है, इसका भी 30-40 रुपये चार्ज कटेगा आपको कार्ड में से। जैसे ATM होता है ना, ATM जैसा कार्ड मिलेगा, उसमें से बैलेंस कटता रहेगा और आपको उसमें रिचार्ज कराना होगा। ये है पंचिंग, आप इस पर हथौड़ा उठा के मारेंगे हैमर की तरह, और ये आपको दिखाएगा कितना फोर्स आप लगा पाए हैं। और ये देख सकते हैं ये भी बच्चों का काम है, बॉक्सिंग करना, अरे नहीं ये सही चीज़ है। इस मीटर दिखाएगा कि आपका पंच में कितना पावर है, ये आ जाएगा उठ के आगे, और इस पर आपको पंच करना होगा। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे हार्ड चीज़ जो सब करते हैं, और ये है एक बहुत ही प्यारा सा गेमिंग, ये स्किन देख सकते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ आयरन मैन। तो ये यहाँ पे ज़ोंबी वाला गेम चलेगा, कई टाइप की गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, वो आप विजुअल्स आँखों में लगा के ये 3D आराम से गेम खेल सकते हैं। सबसे हार्ड मुझे जो लगा ये न्यूट्रो, एक गेम एक मूवी है न्यूट्रो करके, सॉरी। तो इस गेम का नाम बाइक रेसिंग बिहार, और ट्रोन मूवी आप देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को दिखाया गया है। ट्रोन मूवी हॉलीवुड की मूवी, आप गूगल करके देखिएगा, सेम बाइक्स दिखाते हैं उसमें। और भी देखिए गेम है, क्रिकेट अगर खेलने का मॉडल तो उसमें आप क्रिकेट रखे हुए हैं, काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखिए वहाँ से ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन है, वहाँ से बॉलिंग होगा, और यहाँ से आप बैटिंग कर सकते हैं जितने मन उतने खेलिए मस्त तरीके से। और ये गेम बहुत ही हार्ड है, सब लोग नहीं खेल पाते, लेजेंड्स ही खेल पाते हैं इस गेम को, 8 बॉल पुल, और असली जो चीज़ें हैं जो हमें मूवी में देखने को मिलता है ये सब। सो गाइस चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल, ये कौन से गेम है, इस गेम का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। गूगल कोई नहीं करेगा, जिसको पता होगा वही बताना, ठीक है।
आइए अब चल के आपको दिखाते हैं यहाँ के एडवेंचरस चीज़ें। और हाँ, इसके तो मैं प्राइस बताना भूल ही गया, आपके कार्ड से कटेगा 140 रुपये, ठीक है? तो इसको सोच समझ के खेलना भाई, 140 रुपये कार्ड से गवा दोगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मतलब जो मैं एक्सप्लेन किया था शुरू में। और यहाँ पे एक चीज़ ख़राब है, चढ़ने के लिए आपको ये मिलेगा ऑटोमेटिक एस्केलेटर, लेकिन उतरने के लिए नॉर्मल सी सीढ़ी भाई। चलिए फिर, हमें तो आदत है। और यहाँ से चल के दिखाते हैं वो चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो में। सो गाइस, ये है हिल साइकिलिंग। यहाँ पर देखिए गेट लगा हुआ है और ये सेटअप है उन लोगों का। और यहाँ से बैठा के साइकिल है उधर, मैं उस साइड चल के दिखाता हूँ आपको। और साइकिल इस पर चलेगी, इस वाले छड़, क्या बोलते हैं, अक्सर हम इसका यूज़ देखते हैं अपने गांव में लाइट के थ्रू। अल्मोनियम का होता है पर ये लोहे का है और इसका यूज़ हो रहा है साइकिलिंग के लिए। तो चलिए, और नीचे ये देख सकते हैं जाली, अगर कोई गिर भी गया बाई चांस वैसे तो सेफ्टी रहता है, लटक जाएगा लोग, लेकिन कोई गिरता भी है तो नीचे नहीं जाएगा, अटक जाएगा। चलिए मैं आपको वो साइकिल वाला मोमेंट दिखाता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं जीप साइकिलिंग के लिए 100 रुपये चार्ज है और ऐसे कर सकते हैं आप साइकिलिंग। चलिए आप ये देख सकते हैं, ये है वो साइकिल जो इस जीप पे चलता है। और इसकी सेफ्टी देख सकते हैं, ऊपर भी लगा हुआ है, बहुत ही परफेक्ट सेफ्टी है। और ये देख सकते हैं एक वायर पे चलने वाला साइकिल, ये पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलता है हमें, पर यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही सही चीज़ है। 100 रुपये में वहाँ तो 400-500 इसके प्राइस रहते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बजट वाले प्लान में सबका रहता है अक्सर। पर यहाँ पे गिरेंगे तो देखिए नीचे ये है और काफ़ी मजबूत है। नहीं भाई, अगर इस पर पैर गया तो बहुत नीचे तक जाएंगे, फिर ऊपर जंप करते रह जाएंगे। फिलहाल बहुत सारे बॉटल्स दिख रहे हैं इस पर तैरते हुए। तो ये है 100 रुपये में आपका एडवेंचरस फील करा देगा ये मॉल। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं इसमें मॉल में, चलिए आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको PVR दिखाता हूँ यहाँ का। और इस मॉल में हर चीज़ तो दिखा सकते हैं बाहर से, पर अगर बात PVR दिखाने की हो तो उसके लिए तो टिकट्स कराना ही होता है। सो मैंने सिर्फ PVR आपको दिखाने के लिए टिकट्स करा लिया है, वो भी कल्कि का। सो इसी बहाने देख भी लेते हैं। और कल्कि इस मॉल में टॉप फ्लोर पर है, तो चलिए उसके लिए लिफ्ट लेना होगा। और लिफ्ट लेते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं सिनेमा हॉल, PVR के अंदर, और दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर प्राइसेस भी दिखाएंगे कि अगर खा के नहीं जा रहे, भूखे पेट जा रहे, तो आपको कैसे वहाँ पे खरीदना होगा, कितना कॉस्टली चीज़ है, वो भी दिखाऊंगा। सो लास्ट तक देखना और आपके लिए फ़ायदा होगा आगे फ्यूचर में। ये देख सकते हैं, ये है ब्लूप्रिंट यहाँ का। अगर इन केस फायर लग जाता है, आग लग जाती है, तो आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पूरा डेटा दिया हुआ है। और मैं फ़िलहाल कहाँ पर मुझे खुद नहीं पता है, आपको क्या ही समझाऊँ। सो चलिए, ये लिफ्ट लेके हम लोग चलेंगे ऊपर, उसके बाद PVR में एंट्री होगी हमारी। भाई ऊपर आ जाओ। तो इसको खोलते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि हम तो गाइस यहाँ पे PVR के अंदर एंट्री होते ही आपका चेकअप होगा, क्योंकि आप टिकट लिए हैं कि नहीं और आप बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है अंदर बाहर से कुछ ला के खाना, आपको अंदर से लेना होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल प्रमोशन चल रहा है बोर्ड्स पे। और ये है कल्कि, आज का शो हमारा बहुत ही खतरनाक, इंडिया का एक ऐसा मूवी जो हॉलीवुड की वाइफ ला देगा आपको देखते हुए। और चलिए मैं आपको यहाँ का खाने की चीज़ को दिखाता हूँ कि ये कितना कॉस्टली है। अगर आप बाहर से कुछ खा के नहीं आ रहे हैं तो आपको अकेले खाने का जो प्राइस देना होगा ना, उसमें बाहर 3 टाइम खा लेंगे। मतलब मैं बहुत मजबूरी में खाया था, नहीं तो मैं सच में खाता नहीं यहाँ से कुछ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ भी है वो क्वालिटी सही होता है पर बहुत कॉस्टली होता है। एयरपोर्ट वाला वाइब आ जाएगा आपको कुछ भी खा के। समोसे कम से कम 50 का 1 मिलते हैं भाई, और 100 वाले केन ही रखे होते हैं। तो नॉर्मली आपको जितने का टिकट है उससे डबल तो यहाँ पे करना होगा खाने के लिए। और क्वालिटी जो है थोड़ा इस बार जो है इनका वो पॉपकॉर्न में कुछ ज़्यादा ही नमक डाल दिए थे, तो इसके लिए मैंने रिपोर्ट भी किया था यहाँ पर। और आइए थोड़ा वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। नॉर्मली मतलब बढ़िया है, फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं, मिनट पोज बहुत ही मस्त आता है। और ये देख सकते हैं, मैं तो आके यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती करता रहता हूँ, ऑटोमेटिक हाथ सुखा सकते हैं। और गाइस ये है कल्कि का। चलिए आपको अंदर का थोड़ा सा इंटरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ से गेट है और ये मूवी शुरू होने से पहले अंदर एंट्री कराते हैं। और आपको यहाँ का सीट्स दिखाता हूँ, PVR के अंदर कैसे सीट होते हैं और कौन सी सीट क्या क्वालिटीज़ है। ये देख सकते हैं PVR का मेन स्क्रीन, और जो फ्रंट की सीटें होती है आगे का उस पर उतना अच्छा वाइब नहीं आता है, स्क्रीन का लाइट भी इफेक्ट आता है और थोड़ा सर दुखने लगता है सर उठा के देखते हुए। पर जो पीछे है वो एकदम लेबल में दिखता है और पीछे की सीट एकदम लग्जरियस होती है, सीट एकदम बेड बन जाता है और एकदम सो के आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं PVR, अगर आप असली एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो पीछे की सीट बुक करिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे चलेगा पर मज़ा आएगा भाई। मैंने तो इस बार यही सोच के पीछे का ही किया था। सो देखिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ गाइस, इस सीट की कुछ क्वालिटीज़ दिखाते हैं। और ये देखिए जैसा कि मैंने कह रहा था ये बेड बन जाएगा,
जैसे आगे ये उठ रहा है वैसे पीछे भी दबता जाता है, यानी पूरा वेट वाला वाइब आएगा, मज़ा आ जाएगा। मैंने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, आप भी करिएगा ज़रूर। और चलिए इसी के साथ मैं आपको यहाँ इस मॉल का ऊपर का तो एडवेंचरस सीन दिखा दिया, नीचे का मार्केट दिखाता हूँ। मतलब आप दिल्ली का मीना बाज़ार और यहाँ की मार्केट एकदम चीप प्राइसेज में हर एक सामान मिलता है, मतलब कपड़े से रिलेटेड। सो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा ट्रेंडिंग ड्रेसेस। अगर जूते की बात करें तो मात्र 800 से 1000 के बीच में ये सारे शूज़ थे और बहुत अच्छे अच्छे। तो आपको कोटा आए हैं अगर घूम रहे इधर उधर, तो आप इस सिनेमा मॉल को ज़रूर विजिट करिएगा, आपको अच्छा वाइब आएगा। ड्रेस लेना हो अगर बहुत अच्छे प्राइजेज मिल जाते हैं, अक्सर मॉल में देखते हैं हम लोग बहुत महंगा रहता है, पर ये मात्र 300 का है तो क्या ही महंगा है भाई। सही है, बहुत सही है। और लेटेस्ट ड्रेसेस भी हैं जो मार्केट में नया मुंबई में देखने को मिलता है, जो छपरी लोग पहनते हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब कपड़े हैं जो कि अच्छे प्राइजेज में है, यही इसकी खासियत है। और ये देख सकते हैं शूज़ की कलेक्शंस कितना प्यारा ये लग रहा है, मात्र 1200 का बेस प्राइस है, अभी कम भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब बहुत जल्द मैं दिल्ली का चोर बाज़ार भी एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। सो ये शूज़ के बारे में बताइए कि ये शूज़ का क्या रेट है और क्या प्राइस हो सकता है, और मैं इसके हिसाब से दिल्ली का मैं आपको दिखाऊंगा चोर बाज़ार के जूते कितने टॉप के होते हैं और कितने सस्ते होते हैं। सो बहुत पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस कैसा लगा आपको ये प्यारा सा मॉल, सिनेमा मॉल इसको कहते हैं, यहाँ का बहुत ही खास मॉल है, एक सिटी मॉल भी है, पर यहाँ पे चीप प्राइसेस में हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए मैंने आपको पहले इसको दिखाया और एडवेंचरस तो अलग ही लेवल पर था यहाँ पे। तो कैसा लगा यहाँ का मॉल और यहाँ की चीज़ें, थोड़ा सा कमेंट करिएगा उसके लिए। और पहली बार ऐसे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वाला ब्लॉग नहीं देखे, किसी जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो है सिटी पार्क, ऑक्सीजन पार्क भी कहते हैं यहाँ का, सबसे यहाँ का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वो वाला ब्लॉग नहीं दिखाया तो जाकर देख लीजिएगा। और चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, सी यू, टेक केयर।